अभी आप सबके सामने कुछ वो लोग आए हैं जो मॉब लिंचिंग का या इस प्रकार की जो हिंसा है उसका खुद शिकार हुए हैं या जिनके परिवार के सदस्य शिकार हुए हैं, और उन्होंने आपके सामने बताई है अपनी आपबीती बताई है, पुलिस का क्या एटीट्यूड है उसके बारे में बताया है, अदालत में कितना उनको न्याय मिला है या मिल जाने की संभावना है इसके बारे में बताया है। तो ये जो आज माहौल है पूरा, वो मैं तो कहूँगा कि आज हमारा देश एक दहशत में से गुजर रहा है। ये अलग अलग दौर आते हैं और आज दहशत का दौर है, और ये जो दहशत है ये खूनी दहशत है। इसमें हत्याएं हो रही हैं, इसमें जो है भीड़ जो है हिंसक हो के पीट पीट के मार दे रही है, घर जलाए जा रहे हैं। तो ये देखने की बात है कि ये घटनाएं जो है ये जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से ही क्यों बढ़ी है। वैसे तो छिटपुट घटनाएं तो कभी कभार हो जाती थी, आदिवासी एरिया में हो जाती थी, वो डैन कहकर या काला जादू कहकर जो है इस प्रकार की आदिवासियों में मॉब लिंचिंग हो जाती थी, परंतु ये जो सिविल सोसाइटी है या जो बाकी क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि सरकार के आते ही ये इतना जोर क्यों पकड़ गया है या इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि ये जो इसमें जो पार्टी सत्ता में है उनकी राजनीति जो है वो नफरत की राजनीति है, हेट की राजनीति है और हिंसा की राजनीति है, दूसरों को डराने की राजनीति है। आप मोदी जी का अगर देखें, जहाँ से वो गुजरात से यहाँ वो दिल्ली पहुँचे हैं, वहाँ पर उनकी सफलता के पीछे क्या था? 2000 का दंगा था जिसमें जो है 2000 लोग जो है मारे गए थे, उनके आदेश से मारे गए थे। मैंने वहाँ के तत्कालीन मेरे बैचमेट जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे, उच्च अधिकारी थे, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब ये कार सेवा वाले अयोध्या से जा रहे थे तो हम लोग गवर्नमेंट को बराबर ये इंटेलिजेंस वाले बता रहे थे, हम लोग रिपोर्ट दे रहे थे कि ये लोग कहीं भी कोई घटना कर सकते हैं, ये बहुत जो है लॉलेसनेस कर रहे हैं, इसलिए इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, परंतु कुछ नियंत्रण नहीं हुआ। उसके बाद जो गोधरा में स्टेशन पर जो बात हुई थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, चाय के पैसों को लेके मामला शुरू हुआ था, वहाँ किसी ने हमला नहीं किया था, चाय पी थी। और मैं जिस दिन ये घटना हुई मैं उस दिन बैठा दोपहर को टीवी सुन रहा था, टीवी में ये बताया गया कि ये जो कार सेवक थे इन्होंने वहाँ चाय पी और वो चाय की दुकान वाला प्लेटफॉर्म भी मुसलमान था, और जब उसने पैसे मांगे तो इन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, उसकी दाढ़ी नोची, और उसकी एक जवान बेटी थी जिसने इंटरवीन किया और उसने बचाने की कोशिश की, तो यहाँ तक कहा गया कि उसको खींच के डिब्बे में ले आया गया। उसके बाद आगे जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ तक हुआ, जब वो डिब्बा जल गया कैसे जला कोई आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि बाहर से अटैक हुआ, जो कुछ भी हुआ अंदर से हुआ। उसका मुख्य कारण ये है कि जो ये जो कार सेवक जा रहे थे अपने साथ खाने पकाने का पूरा इंतजाम ले जा रहे थे, गाड़ी में इनका पूरा इंतजाम होता था, अंदर ही सब कुछ करते थे। तो जो आग लगी उसमें रेलवे के डिब्बे में वो अंदर से आग लगी। उसके बाद जो कुछ हुआ इंटेलिजेंस वालों ने ये रिपोर्ट दी कि ये जो लाशें हैं हॉस्पिटल में जो पड़ी है हमें इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, परंतु मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये लाशें नहीं हटेंगी, ये यहाँ पर ही रहेगी। फिर ये एक सजेशन आया कि ये जो रेलवे का डिब्बा है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, हुक्म आया नहीं ये डिब्बा नहीं हटेगा। और उसके बाद मीटिंग होती है, जैसा कि मिस्टर भट्ट है एक पुलिस अधिकारी है, बाकी उन्होंने कहा सीएम के यहाँ मीटिंग होती है, उसके बाद आदेश दिया जाता है आप खामोश रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जिनको करना है वो करेंगे, और उन्होंने किया। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई, बाबरी मस्जिद तो खैर उसका वो पहले वाला हिस्सा था जो कुछ भी था। तो ये जो सफलता जो मोदी जी को हिंसा के माध्यम से गुजरात में जो सफलता मिली है, मैं समझता हूँ कि वही मॉडल जो है वो पूरे देश में जो है वो लागू किया जा रहा है। ये आप जानते हैं कि हर एक जो स्टेट होती है उसका अपना एक टैरिफ होता है, वो अपनी हिंसा करती है, पुलिस के माध्यम से करती है, दूसरी एजेंसियों के माध्यम से करती है, परंतु जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं या जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं ऐसे बहुत कम रहे हैं। कांग्रेस का जब राज था उस दौर में भी छुटपुट घटनाएं ऐसी करती थी, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत कार्रवाई करती थी बाकी नज़रअंदाज कर देती थी। इसी का नतीजा है
कि वो छुटपुट जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे वो करते करते आज बड़े हो गए। जैसे वो कहते हैं बीज बोया गया था, जब उनको खाद पानी सही मिला तो वो एकदम पेड़ बन गया और जो आपके आज आज सामने है। तो ये सरकार जो है, एक तो खुद इनका है शक्ति, इसके सरकार बहुत सख्त है। इस शक्ति का नमूना मैं उत्तर प्रदेश का आपको बताता हूँ। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो आते ही कहते हैं अब जो अपराधी हैं थोक दिए जाएंगे, यहाँ इनको पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। अब बताइए, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। मैं तो 32 साल IPS में रहा हूँ, मैंने किसी मुख्यमंत्री को ये गुंडों वाली भाषा बोलते हुए मैंने नहीं सुना। गली के शोधे तो बोलते हैं, परंतु एक मुख्यमंत्री से हम उम्मीद नहीं करते कि इस प्रकार की भाषा बोलेगा। वहाँ बोली जाती है और पुलिस को एक एजेंडा दिया जाता है। जैसे गुजरात में जो इनकाउंटर्स हुए थे, चाहे वो ईश्वर जहां का था, चाहे वो ईश्वर बाकी जो इनकाउंटर्स थे, वो सब सरकार के आदेश से किए गए थे। और वहां हुआ खड़ा किया गया था कि मोदी जी की जान को खतरा है, ये मोदी जी को मारने आ रहे हैं। और वही फिर इधर दोबारा फिर वो मतलब वो बात उठाई जा रही है कि मोदी जी की जान को खतरा है, उसको मारने के लिए दिल्ली की तरफ जो है कुछ लोग आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने पूरा हर एक जिले को एक टारगेट दे रखा है, आपको इतने एनकाउंटर करने हैं, आपको इतने मारने हैं और इतनों के घुटने और टखने में आपको गोली मारनी है, आपको घायल करने, ये सबको टारगेट मिला हुआ है। वहाँ पर 1,500 से ज़्यादा जो है वो अभी तक एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 90 के करीब जो है लोग मारे जा चुके हैं और कम से कम 250-300 लोग वो जो है इंजेक्ट करके जेल में डाले गए हैं। क्योंकि सबको मारेंगे तो एक हो हल्ला हो सकता है, परंतु आप उसके घुटने में गोली मार दीजिए, टखने में गोली मार दीजिए, बाद में हॉस्पिटल में उसको कोई आप इलाज मत उसका करिए, तो वो तो मर ही जाएगा, वो तो बाज हो ही जाएगा। तो ये जो एक दहशत पैदा की जा रही है, ये मैं तो कहूँगा ये स्टेट ऑर्गेनाइज्ड है, स्टेट प्रोटेक्टेड है। क्यों? इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो एलिमेंट्स, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो कोई भी सेना है, जिन्होंने ये सब हिंसा की है, इस प्रकार से उत्पात किया, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया, दूसरों को जो है उन्होंने चोटें पहुंचाई हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्या आप नतीजा निकालेंगे? इससे नतीजा ये है कि सरकार खुद उनके प्रति एक नर्म रवैया रखे हुए है और उनका जो है एक तरीके से हौसला जो है वो बुलंद किया जा रहा है। तो ये जो आज वायलेंस हो रही है, जो फ्रिंज एलिमेंट्स की वायलेंस है, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा ये स्टेट प्रोटेक्टेड और स्टेट द्वारा एक तरीके से ऑर्गेनाइज वायलेंस है। और उसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि समाज के वो तबके जो कि उस पार्टी के साथ नहीं जो सत्ता में है, जो उसके आगे झुकने को तैयार नहीं या उनके फोल्ड में आने को तैयार नहीं, उनको वोट देने को तैयार नहीं, उनको इतना टेररिस्ट कर दो, इतना उनके ऊपर दहशत पैदा कर दो कि वो आपके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत ना करें और आपके खिलाफ वोट देने की हिम्मत ना करें। गुजरात में क्या हो रहा, वहां पर जो मुसलमान बस्तियां उजड़ी थी वो लोग आज भी कैंपों में रह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गुजरात में मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट दे रहे हैं। अब आप बताइए, जो कैंपों में पड़े हैं उनकी जान और माल सब सरकार के हाथ में है या उन तबकों के हाथ में है, तो वो कैसे हिम्मत कर सकते हैं तो भाजपा को वोट नहीं देंगे? तो पूरे देश के अंदर इसी प्रकार का माहौल जो है वो एक टेरर पैदा करके उन तबकों को डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान है तो वो आतंकवाद के नाम पे जो है उनको टेररिस्ट किया जा रहा। मैं खुद बहुत सारे जो आतंकवाद के मामले, बम विस्फोट के जो मामले हैं, उनमें मैं खुद जांच कर चुका हूँ। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जितने लोग आज जेल में हैं उनमें से 99% निर्दोष है। अगर इनकी सबकी एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जांचें कर चुका हूँ। जो लोग 2007 से लेके जेल में, हैदराबाद में और जयपुर में पड़े हुए हैं, उनकी जांचें मैं खुद कर चुका हूँ। मैंने पाया है कि वो निर्दोष है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं, अदालत में आपकी कोई जमानत होने वाली नहीं है। तो मुसलमान जो है उसको तो टारगेट करना बड़ा आसान है, उसको तो आप आतंकवादी कह दीजिए और पुलिस उसके लिए हमेशा तैयार है। कोई बम फोड़े, किसी के यहाँ से बरामदगी हो तो पकड़ा कौन जाएगा? मुसलमान पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर दर्जनों केसेस लगा दिए जाते हैं। नतीजा क्या होता कि जमानत नहीं होती, किसी के ऊपर AK-47 लग जाती है, किसी के ऊपर RDX लग जाता है, तो मुसलमान तो इस प्रकार से टारगेट हो जाते हैं। अब आप दलितों पर आ जाइए, दलितों को टारगेट करना भी आसान है, आप उनको माओवादी कह दीजिए, आप उनको नक्सलवादी कह दीजिए और उनको जो उनके पक्ष में कोई बोलते हैं उनको आप जो है समर्थक के तौर पर जो है उनको जो है उठा के जेल में डाल दीजिए। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा, आदिवासी को सबको माओवादी कह के मारा जा रहा,
अभी हाल में एक ये मुठभेड़ हुई है जिसमें जो फैक्ट फाइंडिंग आई है वो ये है कि वो सब लोगों को खेत के अंदर मारा गया। अभी जो दो चार दिन पहले जो है एक जो वहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, तो ईसाई है, ईसाइयों के ऊपर बड़ा आसान तरीका है इल्ज़ाम लगाने का कि ये तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, चाहे वो अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजाघर में कर रहे हैं या और कहीं कर रहे हैं, वहाँ 10-20-30-40 लोग जो है डंडे और बंदूक लेके पहुँच जाते हैं, उनका गिरजाघर तोड़ देते हैं, मारपीट करते हैं और उनको सब आप भगा देते हैं, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है कि ये तो इनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो मतलब ये जो सब चीज़ें हो रही हैं वो कोई ना कोई एक कवर के अंडर हो रही है। और सबसे बड़ी हम सबके लिए चिंता की बात है कि जो स्टेट है इट हैज बैडली फेल्ड टू कंट्रोल ऑल दीज इल, ये सारे जो शरारती तत्व हैं उनको नियंत्रित करने में सरकार जो है पूरी तरह से नाकामयाब रही। ये हम सबके लिए बड़ी चुनौती है, हम सबके अस्तित्व की बात है, हमारी एग्जिस्टेंस की बात है। आज अगर हम इसके खिलाफ सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, पुलिस को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, आप देखिए अभी ये जो उमर खालिद का हुआ है कि किस प्रकार से मौके पे जो गवाह है वो भी मुकर रहे कि यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई। ये तो शुक्र है कि उसके अपने को साथी थे जो कहने को तैयार है, हो सकता है वहां पर CCTV लगाओ वहां से आपको उसकी फुटेज मिल जाए, वरना जो जनता भी है वो भी हथियार अपने डाल चुकी है, वो भी कहने की हिम्मत नहीं करती, वो जुरत नहीं करती, वो भी भूल जा रही है कि आज उसका नंबर है तो कल आज इसका है तो कल आपका नंबर भी आ सकता है। तो इसीलिए हम सबको सरकार को इस बात का एहसास कराना होगा कि यू आर फेलिंग इन योर ड्यूटी, आप ये लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, अपराधी तत्वों को आप जो है पकड़ना, उनको प्रोसिक्यूट करना, सजा दिलाना, ये आपका कर्तव्य है, पर स्टेट तो नहीं कर रही, और खास तौर से जो इस समय जो पार्टी इन पावर की जो सरकार है वो तो नहीं कर रही। इसलिए मैं और अधिक ना कह के केवल आखिर में एक बात, वसीम बरेलवी जी की केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी। धन्यवाद।